subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मलाड जन कल्याण नगर में गोल्डन हेयर फिक्सिंग सलून की ओपनिंग हुई। यहाँ हेयर रिप्लेसमेंट भी होता है। देखिए काशिप जैदी की इस रिपोर्ट में। तो थोड़ी सी हमारे चैनल के उनके जो शॉप है उनके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है सर। नमस्कार, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो इसके ओनर हैं शॉप पे गोल्डन हेयर फिक्सिंग उनके जो ओनर हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, जैसा आपने बताया कि आज तक हम लोग सुनते थे कि अभी लेडीज सैलून्स या फिर जेंट्स सैलून्स, बट आज यहाँ पे मैंने देखा है कि हेयर फिक्सिंग मीन्स जिनके भी जिनको इस तरह का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे हेयर फॉल हो रहा है इस तरह की, जो जिसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और ब्यूटी अगर आप कहें तो ब्यूटी इज़ वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। वैन आपको ऐसा आप देखिए आपको कॉन्फिडेंस देता है, जब आप एक अच्छे रूप में दिखते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि इस चीज़ की यहाँ पर चारकोल विधानसभा में बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। मैं जो यहाँ पर रिजवान भाई हैं उनको, अधिक अहमद जी उनको, और जो यहाँ पे मैनेजर गजाला असीफ जी उनको, इन तीनों लोगों को बधाई देता हूँ। और आगे आने वाले समय में आपका जो गोल्डन हेयर फिक्सिंग है, अभी मुझे पता चला कि इनका सिक्स्थ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का छठा इनकी शॉप है। तो आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारे इनके इस तरह के हेयर ट्रीटमेंट सलून से लोग स्टार्ट करें। और दूसरा देखिए, एक और चीज़ें हैं, जब इस समय हम लोग कोविड समय में हैं और आप कोविड के टाइम पे सुनते हैं कि सब जगह पे आपको केवल मायूस करने वाली खबरें आती हैं कि आज इतने लोग बीमार हो गए, आज इतने लोगों की डेथ हो गई, आज इतना दिक्कत है। तो ऐसा जब मुझे लगता है कि जब आप सोशल फील्ड में होते हैं और जब आपको ऐसा कुछ करने का मौका मिलता है जहाँ पर कि आप खुद भी खुश रह सकें और लोगों को भी आप खुशी दे सकें, तो ऐसे मौके पे मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे जाना एक सौभाग्य का विषय है मेरे लिए भी। और क्योंकि मैं बहुत नज़दीक में इसी विधानसभा में रहता भी हूँ, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह की भी इनको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूँगा, आपके साथ में जो भी मदद की ज़रूरत होगी मैं करूँगा। ये एक एम्प्लॉयमेंट का भी पार्ट होता है। जब आप किसी अब देखिए यहाँ पे 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो आज जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है ऐसे काम हमारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं जहाँ पे कि 10 लोगों को 10 फैमिलीज को आप इस्टेब्लिश करते हैं। तो एक बार फिर आप जो भी ओनर्स हैं और जो हमारी गजाला मैडम हैं उनको मैं सहर्ष धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और आप लोगों का ये 60th का भी मैं ही उद्घाटन करूँ ऐसा मैं मान के चलता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि सर एक हेयर फिक्सिंग अभी पता चला है कि शॉप को ओपनिंग किया है आपने, और हेयर एक लेडीज के लिए और एक महिला के लिए और एक जेंट्स के लिए बहुत ब्यूटी पार्ट होता है। तो जो ये लोग जो वर्क कर रहे हैं, इनकी शाखाएं भी अभी है, तो और इनके शाखाओं के लिए और क्या शुभेच्छा देना चाहिए? और जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले इनसे डिस्कस कर रहा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नया है, नॉन सर्जिकल की जब आप बात करते हैं, नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको किसी तरह का चीड़फाड़ नहीं करना होता है, लोगों के लिए सेफ है, सेफ एनवायरनमेंट में काम होता है। और इनके पास एक्सपर्ट की पूरी टीम है, क्योंकि सिक्स्थ प्लेस है जहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ट्रीटमेंट जो सेफ हो और जिससे कि आप और ब्यूटीफुल या आप और सुंदर लग सकें, ऐसा लोगों को ट्रीटमेंट करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में भी जब मैंने इनसे बात किया, इनके ओनर्स और इनके जो मैनेजर हैं, तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट, जो भी मार्केट रेट होता है उससे 50% डिस्काउंट में हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कस्टमर्स के लिए भी विन विन पोजिशन है कि
मैं 50% डिस्काउंट पे अगर मैं कोई अच्छा ट्रीटमेंट और एक अच्छे जो कारीगर होते हैं या आप जिसको आप अच्छे टेक्नीशियन बोल सकते हैं, जब एक अच्छा टेक्नीशियन अच्छा ट्रीटमेंट अगर आपको कर सकता है 50% डिस्काउंट पे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा विन विन पोजिशन वाला मामला होगा कस्टमर्स के लिए भी। हमारे यहाँ तो पूरे विधानसभा में बात चूँकि बगल में मलाड विधानसभा है, चारको विधानसभा, तो यहाँ पर पॉपुलेशन आप जानते हैं 6 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस पूरे एरिया में इस तरह का ट्रीटमेंट कहीं पर नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोल्डन हेयर फिक्सिंग जो है वो अपने गोल्डन पे जाएगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है और उम्मीद भी है। समझिए एक आखिरी सवाल, जैसे कि कोविड अभी तक खत्म नहीं हो चुका है और इन्होंने अभी एक अपना ब्रांच ओपन किया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से या फिर उनको डायरेक्टली आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे आप संभालिए, कोविड भी है और कैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करें? क्योंकि ये जो ग्रुप है एक एक्सपर्ट ग्रुप है, तो मुझे पूरी आशा है कि जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होंगे, जो भी प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने फिक्स किए होंगे, उसको पूरे प्रोटोकॉल को ये लोग फॉलो करेंगे और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही अपने जो इनके टेक्नीशियन है उनका और जो कस्टमर्स इनके पास आते हैं उनका, इन दोनों के हेल्थ से रिलेटेड मीन्स, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली देखिए ये ब्यूटी कब आती है, ब्यूटी हेल्थ के बाद का इश्यूज है। तो सबसे पहले मैं एक परामर्श भी देना चाहता हूँ, एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने टेक्नीशियंस का और अपने कस्टमर का ध्यान रखिए। हेल्थ रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं आप उसको 100% ऑफ फॉलो करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आगे आने वाले समय में कोविड के साथ, तो देखिए अभी जो कंडीशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड को आप देखिए, तो आपको कोविड के साथ में ही जीना सीखना है। लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट और एक फैक्टर है कि आपको एहतियात भी बरतने हैं। जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं, मास्क लगाना है, आपको हैंड वॉश करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो यहाँ पे जो टेक्नीशियंस होंगे वो पूरे अपने अपने आप को कवर्ड करके रखेंगे, जो इनका प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का उसको फॉलो करें और आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जयशवंत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। और आपका शॉप का आज ओपनिंग हुआ है और आप उसके मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और कैसा लग रहा है आपको और इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और मैं चाहती हूँ कि मैंने पार्टनरशिप लिया है और मुझे मैनेजर का पोस्ट मिला है, तो मैं अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी दूँ यहाँ पर, अपना पूरा परफेक्ट काम दूँ और इस कंपनी को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि कंपनी का प्रोटोकॉल ऐसा है कि इनको आगे चाहते हैं कि हर एरिया में हमारा एक ब्रांच रहे और लोगों को ये सुविधा रहे कि वो अपने एरिया में ही हमारी सर्विस को पा सके। तो इसमें आगे आप कितने मतलब कितने लोगों को क्या छूट देंगे आप इस तरीके से, जैसे अलग कोई कुछ अलग क्या होगा इसमें? ये ऐसा होता है, अलग ये होता है कि हम लोग जो है हम नहीं चाहते, जैसे बहुत से लोग ये अफोर्ड कर पाते हैं और बहुत से लोग हैं जो जिनको ज़रूरत है और वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम उन लोगों के लिए भी बेस्ट प्राइसिंग में करते हैं, सर्विस चार्जेस भी कम रखते हैं और अपना बेस्ट देते हैं उन लोगों के साथ भी, ताकि हम चाहते हैं कि जिन लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत हो, हर किसी को हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अच्छा प्राइस का आप बता रहे थे, तो आप जो कस्टमर को किस प्राइस में आप उनको सहूलियत देंगे? जैसे कि जो भी होता है हम लोग मोस्टली डिस्काउंट पे ही देते हैं, हम लोग अपना ज़्यादा कुछ भी मार्जिन नहीं रखते हैं और कम से कम प्रॉफिट पे काम करते हैं, ताकि हम लोगों तक अपना बेस्ट सर्विस दे सकें। जैसे कि मैम अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोविड अभी भी चल रहा है और आपने ये जो ब्रांच ओपन की है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ब्रांच ओपन की है तो आपके पास थोड़े बहुत स्टाफ होगा, वर्कर होंगे, तो ये जो लोगों की आपने मतलब जो रोजी रोटी का जो ख्याल किया है ये भी बहुत एक अच्छा आइडिया, तो ये करके आपको कैसा फील हो रहा है? ये सब तो देखिए सर अच्छा लग रहा है, सब अपनी अपनी रोजी अपने साथ लेकर आते हैं, हम हैं सबको चांस देना है, हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे साथ जुड़ के रहे और हमारी कंपनी का ऐसा प्रोटोकॉल है कि हमारा स्टाफ को कंपनी आगे बढ़ाती है, जैसे मैं भी इनके पास काम करती थी
तो इन्होंने भी मुझे चांस दिया कि मैं इनके साथ पार्टनरशिप करके अपना ब्रांच करूं, तो हम लोग हर किसी को आगे बढ़ाने का सोचती है कंपनी। तो जैसे कि कोविड अभी भी चल रहा है तो आपकी शॉप कल से ओपन हो जाएगी जी, तो आपने गवर्नमेंट की कौन सी गाइडलाइन फॉलो करी है? सर अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि आप पूरा शूट कर लेना, तो ये कैबिन सिस्टम होता है, सबसे बड़ी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग यही हो जाती है, और जो हमारा स्टाफ होता है वो हमारे पास सैनिटाइजिंग है, पूरी गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करके, मास्क है, एप्रॉन्स है, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम लोग, क्लाइंट को भी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट यूज करते हैं और ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आगे कस्टमर के लिए कुछ अपील करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है कस्टमर? मैं तो यही चाहती हूँ कि हर किसी को जिनको भी ये सब रिक्वायरमेंट है वो हमारे साथ आए, हम अपना बेस्ट उनको देंगे, वो कभी हमसे निराश नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। Thank you.